है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 लाइंस एंड एंगल्स ऑफ मिराकी मैथमेटिक्स। इसका लर्निंग आउटकम 1, उसमें जो बेसिक्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स, उसके एग्जांपल्स और उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज है पेज नंबर 68 और 69 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मिराकी मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय संदीप श्रीवास्तव, इसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस। और आज हम क्या कर रहे हैं, यूनिट 4 एंगल्स एंड लाइंस एंड एंगल्स, इसका लर्निंग आउटकम 1, पेज 68-69। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले तो पॉइंट, सबसे पहला कंसेप्ट जो है लाइंस एंड एंगल्स में आता है कि पॉइंट क्या होता है। देखो, पॉइंट जो है, अब जैसे मैं यहाँ पर कहीं पे डॉट लगा दूँ, तो ये एक डॉट है। इसका बिल्कुल माइन्यूट पार्ट, मतलब कि कुछ ऐसा पार्ट कि जो सिर्फ वही एग्जिस्ट करता हो, तो उसके आसपास के एरिया को ना लिया जाए, तो छोटे से छोटा पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं हम पॉइंट। तो एक लाइन के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर, किसी भी फिगर के ऊपर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये एक डॉट है। जो पॉइंट होता है वो विजिबल नहीं होता, लेकिन हम इसे डिनोट कर देते हैं किसी डॉट से, ताकि हम जो है उसकी प्रोसीडिंग कर पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएँ इस कंसेप्ट को। तो पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ना तो इसकी कोई लेंथ होती है और ना ही इसकी कोई ब्रेथ होती है। अब देखते हैं लाइन। लाइन क्या होता है, ए लाइन इज़ अ पाथ ऑन ए प्लेन दैट गोज़ ऑन फॉर एवर इन अपोजिट डायरेक्शंस। कि एक लाइन जो होती है वो एक पाथ है किसी भी प्लेन के ऊपर, जो अपोजिट डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली जा रहा है। मतलब कि देखो, आप इस लाइन को ध्यान से देखो तो एरो इसका इधर भी लगा है और इधर भी लगा है, मतलब कि ये कहाँ पर जाके एंड होगी, इसका कोई एंड नहीं है। तो लाइन का कोई एंड नहीं होता है। इसको जो स्ट्रेट पाथ किसी भी लाइन के थ्रू जा रहा है, किसी जो भी स्ट्रेट पाथ जा रहा है इनफाइनाइटली, उसे हम लाइन बोलेंगे। अब देखो, वर्टेक्स, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं ना, तो जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे कि ये दो लाइनें यहाँ पे कट कर रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे वर्टेक्स। उसी तरह से जैसे कि ये हमारा क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो इसकी जो एजेस जहाँ पर कट कर रही हैं, ये इसके वर्टेक्स होते हैं। और इसको प्लूरल में बोलेंगे तो हम इसे वर्टिसेस बोल देते हैं। अब देखो, रे, रे क्या होता है, ए पार्ट ऑफ लाइन दैट बिगिंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। अब रे और रे क्या होती है कि किसी लाइन का कोई पार्ट है किसी पॉइंट से, लाइन के किसी पॉइंट से शुरू हुआ है और एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो लाइन और रे में क्या डिफरेंस हुआ, जो हमारी लाइन होती है वो एंडलेसली दोनों डायरेक्शंस में जाती है, लेकिन जो हमारी रे है वो एक डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि वो हमारी लाइन का पार्ट होती है। अब देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंगल। एंगल क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट। अगर दो रेज हों हमारे पास, जैसे कि ये देखो, ये एक रे है एक डायरेक्शन में जा रही है, ये दूसरी रे है एक डायरेक्शन में जा रही है, ये जहाँ पर कट कर रही हैं, तो ये जो इसका कॉम्बिनेशन है, ये जिस जहाँ पर इसको कट कर रही हैं उसे हम इसका एंगल बोलते हैं, जिसका इंक्लिनेशन होता है। अगर हमारे पास दो रेज हों, उनका एंड पॉइंट कॉमन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी के ऊपर बेस्ड दो थ्योरम्स हैं। पहला तो ये है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेम एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप जानते हो, कॉन्ग्रुएंट अगर दो चीज़ें होती हैं तो आप एक चीज़ को उठा के दूसरे के ऊपर रख दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब कि वो दोनों इक्वल होती हैं दिखने में, हर तरीके में उनकी वैल्यूज़ जो होती है सब सेम होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेम एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कह रहे कि अगर एक एंगल है, कोई एक एंगल ले लो आप, और उसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट आएगा। चाहे अगर मैंने 32 डिग्री लिया है एक एंगल का और 32 डिग्री दूसरे एंगल का लिया है, तो दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूंगी तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे आपस में। अब कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अब ये बोल रहा है उल्टा,
मान लो कि आपने दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स उठाए हैं, मतलब कि तो इक्वल एंगल्स हैं, और उन दोनों का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो वो दोनों भी इक्वल आएंगे, यानी कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब ये थोड़ा सा समझने में अगर मुश्किल लग रहा है तो हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो देखो, कह रहे कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कह रहे कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब कि उनका सम 90 डिग्री है, एंड वन ऑफ देम इज 77, उनमें से एक है 77 डिग्री, तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ अदर, दूसरे का साइज़ क्या होगा। अब दोनों का सम 90 डिग्री है और एक 77 डिग्री है, तो अगर मैं 90 में से 77 को माइनस कर दूँ तो मेरे को दूसरा एंगल मिल जाएगा, वो क्या आएगा, 90 माइनस 77 इज इक्वल टू 13 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू में हमें बोल रहा है एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास एंगल है ना, वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो आप ये बताओ कि एंगल की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे कि आप कंसीडर कर लो कि वो x डिग्री है हमारा एंगल, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि मेरा कॉम्प्लीमेंट, मेरा जो एंगल है वो मेरे कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 90 माइनस x है, तो इसका मतलब 5 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे 450 आएगा, और 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आएगा, तो x इज इक्वल टू 450 माइनस 5x। अब माइनस 5x को इस साइड ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है जब हम LHS और RHS को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6x आएगा, और इधर क्या है 450। अब 4 इधर 6 मल्टीप्लाई का है, तो जब आप इसे इधर ले जाओगे तो ये 450 को 6 से डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो क्या वैल्यू आएगी, 75 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि 75 डिग्री है जो हमारे एंगल की वैल्यू है, ये आंसर है हमारा। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो इसका निकालोगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट निकालोगे इसका 15 डिग्री आएगा। अब 15 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, 75, दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। ये एक तरीका है अपने क्वेश्चन को चेक करने का। तो ये हो गए इसके बेसिक्स और एग्जांपल्स। अब करते हैं एक्सरसाइज, जो कि है पेज नंबर 68 और 69 पे। उससे पहले उसके सबसे पहले करेंगे कंपल्सरी क्वेश्चंस। कंपल्सरी क्वेश्चंस, तो कंपल्सरी क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि एंगल AOC की वैल्यू दी हुई है 180 डिग्री और एंगल BOC की वैल्यू दी हुई है 156 डिग्री, तो हमें एंगल AOB की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अब देखो AOC क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इसका सम जो है वो 180 डिग्री आएगा, और ये कह रहे हैं कि एंगल BOC जो है वो 156 डिग्री है, तो एंगल AOB बताओ। अब आप देख सकते हो कि एंगल AOB और एंगल BOC का सम जो है वो एंगल AOC के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसका और इसका अगर मैं सम करूँगी तो मेरे पास ये बड़ा वाला एंगल आ जाएगा AOC वाला, यानी कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC क्या है, एंगल AOC। तो एंगल BOC की जगह मैंने 156 डिग्री लिख दिया और AOC की जगह मैंने 80 डिग्री, तो अब ये प्लस का राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस का, तो 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री इज इक्वल टू 24 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बचा हुआ एंगल था एंगल AOB वो मेरा कितना है 24 डिग्री। अब सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी दो एंगल्स हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एंड एंगल ए जो है वो 40 डिग्री है, तो बी बताओ क्या होगा। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम क्या होता है, 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस बी क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो गया, 90 डिग्री। लेकिन एंगल ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब एंगल बी की वैल्यू बताओ, तो एंगल बी को आप यहीं पे रहने दो, 40 डिग्री इधर प्लस का है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या हो गया आपका, 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन थ्री में कह रहा है कि इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड वन ऑफ देम इज 77 डिग्री, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द अदर एंगल। सेम क्वेश्चन हमारा आया था एग्जाम्पल्स में, दोबारा करते हैं इसको। तो कह रहा है कि टू एंगल्स अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका जो सम है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, तो आप ये मान लो कि एक एंगल आपका x डिग्री है, तो x प्लस x डिग्री प्लस 77 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री करेंगे आप तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 13 डिग्री, ये आपका आंसर है।
अब देखो क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर में कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल इज 26 डिग्री, कि एक एंगल का मेजर 26 डिग्री है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर बताओ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलता है, 90 डिग्री से माइनस करते हैं उसको, तो 90 डिग्री में से 26 माइनस करोगे, 64 डिग्री आपका आंसर आएगा। अब कंपल्सरी क्वेश्चंस हो गए, अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। इसके पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ एंगल्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री इज 30 डिग्री, कि दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है और वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी है, तो ये बताओ कि एंगल्स क्या है? तो देखो मैंने ये कंसीडर कर लिया कि एक एंगल उनमें से एक्स डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से 90 माइनस एक्स डिग्री। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो मैंने 90 माइनस एक्स डिग्री में से एक्स डिग्री को माइनस कर दिया, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या बन जाएंगे, माइनस के 2x, तो माइनस 2x डिग्री इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, 90 माइनस 2x आपका 30 के इक्वल है, तो अब मैं 30 को इधर ले जाऊंगी और 2x को इधर ले जाऊंगी, तो 2x इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 30 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 क्या हो गया, 60। अब 60 इज इक्वल टू 2x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री आपका आंसर। अब एक एंगल तो आ गया आपके पास 30 डिग्री, दूसरा कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली 90 माइनस x करके, तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 60। तो एक एंगल आपका 30 डिग्री है और दूसरा एंगल आपका 60 डिग्री है, और अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर हमें बोला गया है कि ABC जो है, एंगल ABC जो है वो आपका राइट एंगल है, तो x की वैल्यू बताओ। अब एंगल ABC ये पूरा आपका राइट एंगल है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों एंगल्स का सम जो ये हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका सम क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने 5x माइनस 31 लिया और 2x माइनस 33 जो मुझे यहाँ पे दिए हुए थे, और इनको 90 के इक्वल रख दिया। अब 5x और 2x क्या हो जाएंगे, 7x, और माइनस 31 और माइनस 33 माइनस 64 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 90 के। अब माइनस 64 को आप इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 90 प्लस 64 क्या हो जाएगा, 154। अब 7x है, अब x इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 7 करेंगे इज इक्वल टू 22 आपका आंसर हो जाएगा। अब उसने हमसे x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है और वो क्या है, 22 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें बोला गया है कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनमें से कौन सा एंगल्स है जो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब कि आपको ऐसे एंगल्स निकालने हैं जिनका अगर आप ऐड करो तो वो 90 का आपको सम दे। तो देखो अब एंगल ABC, एंगल A जो है 90 डिग्री है। अब पहले तो देख लो केस वन में क्या है, एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल DAC यानी कि ये जो ये बच गया ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC, ये इस पूरे एंगल के इक्वल है जो कि हमें दिया हुआ 90 डिग्री के। तो अब इन दोनों का सम क्या हो गया, 90 डिग्री। तो किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। अब कह रहा है केस टू के अंदर अगर आप देखोगे तो एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल, और उसके बाद एंगल BCA यानी कि ये वाला एंगल, और उसके बाद एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल, इन तीनों का ऐड कर दें तो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लेकिन इनमें से एंगल BAC आपको 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब इस 90 डिग्री को राइट हैंड साइड पे ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ABC प्लस ACB की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री, और किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपके पास दो पेयर्स आए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, एक तो एंगल ABC और ACB, और दूसरा जो आपने यहाँ पे केस वन में देखा था BAD और DAC। अब देखो ये वाला भी पार्ट आपका हो गया है, अब हम करेंगे एंडिचमेंट क्वेश्चंस की कंडीशन क्या है कि MCQs दिए गए हैं, हो सकता है इनमें से कोई करेक्ट आंसर ना हो सकता है बहुत सारे करेक्ट आंसर हो, तो देखते हैं हमारा इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है अबाउट द कंसेप्ट एंगल्स, कह रहे कि एंगल्स के बारे में इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है। पहला है कि एन एंगल इज मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इन अ यूनिट कॉल्ड डिग्रीज, कह रहे कि डिस्टेंस होता है एंगल किन्हीं दो लाइंस के बीच में,
डिस्टेंस को हम मेज़र नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उनका इंक्लिनेशन ज़रूर होता है। तो ये स्टेटमेंट राइट नहीं हो सकती। अब देखो क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी कह रहे हैं कि एन एंगल इज़ मेज़र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू रेज इन ए यूनिट कॉल्ड डिग्रीज। डिस्टेंस का मेज़रमेंट नहीं होता है, तो आप यूनिट तो इसका डिग्रीज होता है लेकिन डिस्टेंस का मेज़रमेंट नहीं होता है। तो कह रहे हैं एंगल इज ए मेज़र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू रेज जॉइंट एट ए कॉमन एंड पॉइंट इन ए यूनिट कॉल्ड डिग्रीज। हाँ, ये कह सकते हो आप कि एक पॉइंट पे कनेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पहली जो पॉइंट्स जो ऑप्शंस बोल रहे हैं ना, अब डिस्टेंस तो आप कैसे काउंट करोगे ना, एक रे आपकी इधर जा रही है, एक रे आपकी इधर जा रही है, कहीं पे कट ही नहीं कर रही है, तो आप उनका एंगल कैसे बता दोगे। तो ये जो है इस वजह से जो है ये दोनों नहीं हो सकती है, करेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन अगर उनका एंड पॉइंट कॉमन है, मतलब कि जो हमारी एंगल की डेफिनेशन थी तो वही हो गई ना जो हमने एंगल की डेफिनेशन की थी। एंड पॉइंट कॉमन है मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं और दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस डिग्रीज में मेज़र होता है। हाँ, ये बात ठीक है। तो कह रहे हैं एन एंगल इज मेज़र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेगमेंट्स इन ए यूनिट कॉल्ड मीटर्स। यहाँ पे यूनिट गलत हो गया, लाइन सेगमेंट्स तो आप कह सकते हो, लाइन भी ले सकते हो, लाइन सेगमेंट भी ले सकते हो, लेकिन मीटर्स वाली बात गलत है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू, वही कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट द कंसेप्ट एंगल्स, की एंगल्स के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो मैं ये कह देती हूँ कि एक एंगल इज मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ टू रेस, कि मेज़र होती है ये डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ टू रेस की। तो एंगल इज मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ टू रेस, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन पार्टली ट्रू है ये, क्योंकि उनका एंड पॉइंट भी कॉमन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में है कि रोटेशन ऑफ टू लाइंस, ये बात भी ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है, एन एंगल इज मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ टू लाइंस जॉइंट एट कॉमन एंड पॉइंट। हाँ, अब इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। एन एंगल इज अ मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ टू लाइंस सेगमेंट्स, इसमें भी एंड पॉइंट वाली बात नहीं है, लाइन सेगमेंट्स को भी ज्वाइन कर सकती है वो, लेकिन एंड पॉइंट्स उसके कॉमन होने चाहिए। तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट मार्क करेंगे। अब देखो क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री में क्या है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो अप्रोप्रिएट है विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर कौन सी बात सही है। तो वही कह रहे हैं कि अगर टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हों और कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका क्या मतलब बनता है कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू टू अदर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि दो एंगल्स ले लिया आपने और वो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी दूसरे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को, कि मतलब कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे और एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री है और दूसरा वाला जो है उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिए हैं वो आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये हमारी थ्योरम में हमने पढ़ा था, तो ये एक बात करेक्ट है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। आ देते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेम एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर सेम एंगल का आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो कॉन्ग्रुएंट आएगा। ऑब्वियसली उसकी वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, क्योंकि 90 में से माइनस करोगे आप तो ऑब्वियसली इतनी मर्जी बार ले लो वो सारे कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। वो कह रहे हैं इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ए थर्ड एंगल, अगर किसी थर्ड एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री हैं कोई दो एंगल्स, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो आपस में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यस, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि एक ही एंगल को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी मार्क कर सकते हो आप, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। अब एंडिशमेंट क्वेश्चंस भी हो गए, अब देखते हैं हम प्री एग्ज़ाम रिव्यू। प्री एग्ज़ाम रिव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है और उनमें से भी पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इनमें से कौन से एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम अगर आप करोगे तो वो 90 डिग्री आएगा। तो देखो रेक्टेंगल होने की वजह से ये सारे एंगल्स ए बी सी डी, ये सारे एंगल्स क्या हैं आपके, 90 डिग्री के हैं। और ऐसे क्या है, इसका डायगनल है, तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री का सम जिन एंगल्स का होता है उनको करते हैं। तो अगर आप देखो कि डायगनल्स जिन एंगल पे कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल अगर आप देख लो तो एंगल डी ए सी, और ये वाला एंगल यानी कि एंगल सी ए बी, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, एंगल ए के इक्वल,
और एंगल ए हमारा क्या है, 90 डिग्री के इक्वल। उसी तरह से आप ये वाला एंगल भी देख लो, एंगल डी सी ए या ए सी डी दोनों ही बोल सकते हो, और एंगल ए सी बी, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल सी के इक्वल होना चाहिए। तो अब इन दोनों का सम देखो क्या आ गया, 90 डिग्री। तो ये कौन से पेयर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर्स हैं। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल इज़ 58 डिग्री, तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको एंगल दिया गया 58 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू पूछ रहा है उससे, तो 90 डिग्री है कॉम्प्लीमेंट्री, तो 90 डिग्री सम होता है उनका, तो 90 में से 58 माइनस कर दोगे, 32 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 43 डिग्री, कि 43 डिग्री का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूं तो क्या वैल्यू आएगी। तो 90 में से माइनस कर दो 43 को, 47 डिग्री आंसर आ जाएगा, यही आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब क्या है, ए ओ बी इज़ द राइट एंगल, ए ओ बी यानी कि ये पूरा बड़ा वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है। कह रहा है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये है 30 डिग्री, और उससे आगे जो कह रहा है एंगल बी ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल क्या कह रहा है, ये है 45 डिग्री। एक मिनट मैं इसको मार्क कर देती हूँ, हाँ ये है 45 डिग्री। और एक्स की वैल्यू क्या है, एंगल सी ओ डी, यानी कि जो बीच वाला एंगल है ये आपका है एक्स डिग्री। तो वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। सीधी सी बात है, आपको सबका सम दिया गया है और दो एंगल्स दिए गए हैं, तो आपको तीसरा एंगल निकालना है जो कि एक्स की वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है। तो एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी। तो यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 30 प्लस 45 कितना हो गया, 75 डिग्री। तो 90 इक्वल टू 75 डिग्री प्लस एक्स डिग्री। तो अब एक्स को अगर मैं इस साइड रखूँगी तो 90 माइनस 75 हो जाएगा, उधर साइन चेंज करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव में बोला गया है कि एंगल पी क्यू आर जो है एक राइट एंगल है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। पी क्यू आर राइट एंगल है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एग्जांपल्स में आपने ऐसे सेम क्वेश्चन किया है, तो पी क्यू एस और एस क्यू आर यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को आप क्या करो, आपस में ऐड कर दो। तो 3x प्लस 20 डिग्री प्लस 2x माइनस 10 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि 2x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा आपका, 5x, और 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10। इसे किसके इक्वल आएगा, ये 90 डिग्री के। तो 90 में से 10 माइनस किया तो 80 आया, 80 डिग्री। और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 80 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आपके पास 16 आ गई, आपसे पूछा क्या था, x की वैल्यू। तो ये आपका आंसर है। अब देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द एंगल्स बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट एंड नॉर्थ एंड वेस्ट आर क्या होंगे, कि ए एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट एंड नॉर्थ एंड वेस्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री हैं, या बोथ एक्यूट एंगल्स हैं, या बोथ ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। तो देखो नॉर्थ एंड साउथ ये आपने डायरेक्शंस मार्क कर ली। अब आपको ये पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल किस चीज़ का होता है, 90 डिग्री का, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में किसका एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो अब इन दोनों के पूछ में पूछ रहा है कि इन दोनों कैसे एंगल्स हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 180 डिग्री। तो किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ये इसका आंसर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये क्या था आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है कि मेजर इन डिग्रीज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टू कंजेकेटिव इवन इंटीजर्स। कह रहे हैं कि दो कंजेकेटिव इवन इंटीजर्स हैं, तो अगर आप उन्हें ऐड करोगे तो वो 90 का सम देंगे क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप एंगल्स बताओ कौन से हैं। तो मैंने ये कंसिडर कर लिया कि एक एंगल है मेरा x और एक एंगल है x प्लस 2। आप चाहो तो 2x भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जो उससे आपका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही आएगा। तो अब जैसे मैंने मान लिया कि x डिग्री है और दूसरा एंगल है x प्लस 2, अब ऑटोमेटिकली कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव एंगल्स कैसे निकलते हैं, एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 होगा। तो x डिग्री प्लस x प्लस 2, ये पूरे होल का डिग्री लिखूंगे किसके इक्वल है, 90 डिग्री के।
तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x डिग्री, और प्लस 2 डिग्री हमारे पास आई इज इक्वल टू किसके इक्वल है 90 डिग्री के, तो 2x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 88/2 यानी कि 44। तो एक एंगल तो आपको x डिग्री था तो 44 डिग्री हो गया, और दूसरा क्या आ गया 44+2 यानी कि 46 डिग्री। अब देखो दोनों इवन है 44, 46, तो 44, 46 इनको ऐड करोगे तो 90 आएगा, तो ये आपका आंसर है। तो लर्निंग आउटकम 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम करेंगे लर्निंग आउटकम 2, उसके बेसिक्स, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।